हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बस्ती झनियारा में जबरन बीपीएल मुक्त करने का हरिजन बस्ती के लोगों ने ऐतराज जताते हुए इसे गलत बताया है। बीपीएल सूची से काटे गए दर्जनों परिवारों ने डीसी राकेश कुमार प्रजापति से मिलकर बस्ती झनियारा पंचायत द्वारा की गई प्रक्रिया को गलत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। डीसी हमीरपुर से मिलने आए हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायत प्रधान ने जबरदस्ती ही फरमान सुनाते हुए बीपीएल सूची से नाम काट दिए हैं और पूरी पंचायत को बीपीएल मुक्त घोषित किया गया है। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि बीपीएल मुक्त बनाने के लिए किया गया सर्वे भी पूर्णतः गलत हुआ है और इसे दोबारा करवाया जाए। लोगों ने आरोप लगाया है कि पंचायत प्रधान की मिलीभगति से पूरी पंचायत से बीपीएल सूची से नाम काटे गए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बीपीएल सर्वे किसी आला अधिकारी की निगरानी में करवाए जाए। तब से हमारे पास हमारा प्रस्ताव है, हमारे साथ ये हमारे सारे जो भी अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं और सभी व्यक्ति मनरेगा में कार्यरत हैं, मनरेगा में काम करते हैं, ये सभी डीसी साहब के पास अपनी जो मांग है इसको रखने आए हैं कि हमारा सर्वे किया जाए, हमारे घर देखे जाएं, हमारी हर चीज़ को चेक किया जाए, उसके बाद सर्वे के अनुसार जो है जो निर्धन लोग और जो डिजर्व करने वाले जो लोग हैं पाए जाते हैं उनको बीपीएल में अंकित किया जाए। पुल हर वक्त जिस वक्त में बाढ़ पहुंची तम भी बस सारे बोलते कट्टो 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 न जो ये नहीं चाहते फिर बीपी परिवार से रहने पे तो अभी सारे रहना चाहेंगे जेडे कट्टे से सारे सारे रहना चाहेंगे। अगर ये मकान बनाए हैं पक्के बनाए हैं तो सह मकान ने जो कर्जा कितनी है बैंक का खाते चेक आजकल धूड़ी च कुछ ने किसने रहना आज के बच्चे रह सकते धूड़ी च। हमारी झनियारा पंचायत में जो भी हमारा गांव वो हरिजन बस्ती का है और सभी परिवार ऐसे हैं कि मतलब गरीब ही हैं बेचारे और औरतें जो वो नरेगा में काम करती हैं तो मनरेगा में काम करती हैं तो उनकी मजबूरी रही होगी उनका मतलब हमारा खर्चा नहीं चलता है ना तभी हमारी औरतें दूसरे गाँव में जाके भी काम करती हैं। तो बीपीएल सभी हरिजन बस्ती वाले सभी बोलते रहे, हर महिलाएं बोलती रही, हमारे जो मतलब आदमी गए हुए थे वो बोलते रहे कि मत काटो, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इस मामले पर डीसी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि बस्ती झनियारा के लोगों ने बीपीएल परिवार से नाम काटने की शिकायत की है जिस पर अब छानबीन करके पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम को छानबीन करने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ परिवार से नाम का नाम बीपीएल से काट दिया गया और आज एक डिप्यूटेशन आया हुआ था बस्ती झनियारा से तो इसमें वीडियो को जांच करने के आदेश दे दिए।